और भाई क्या हालचाल, वेलकम बैक टू अरुण एक्सेलेंट क्लासेस। तो आज जो आप एक क्वेश्चन थंबनेल में देख रहे हो, ये आपका क्वेश्चन मार्च 2022 में आया हुआ है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे साइन एक्स को टी लेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप साइन एक्स को टी लेट करते हैं, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा आपको। यानी ये पूरा आपको किस में मिल गया, डी टी में मिल गया। अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी और यहाँ पे 4 प्लस टी। भाई लिमिट चेंज होंगी क्योंकि अभी यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 ये एक्स की लिमिट है, अब यहाँ पे आपको किसकी लिमिट चाहिए, टी की लिमिट चाहिए। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ इस वाले पार्ट में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे साइन एक्स बराबर आपका टी है, अगर आप एक्स को 0 रखते हो तो साइन 0 इज इक्वल टू टी, यानी टी की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। और अगर आप यहाँ पे एक्स को पाई बाय 2 रखते हो तो साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू टी होगा, यानी साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 और ये आपका टी की वैल्यू 1 मिल गई। तो भाई अपर लिमिट 1 हो गई और लोअर लिमिट 0 हो गई। अब अगले स्टेप में आते हैं। अब जो आपका ये 1 अपॉन 1 प्लस टी इन टू में 4 प्लस टी है, इसको आप इस तरह से तोड़ोगे, पार्शियल फ्रैक्शन सुना है आपने, बस वही चीज है। तो a अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 4 प्लस टी, ठीक है। अब यहां तो ऑलरेडी सॉल्व पोजिशन में है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप, यानी अगले स्टेप में बताता हूं, यहां पे आप लीजिए LCM, जो a अपॉन 1 प्लस टी है प्लस बी अपॉन 4 प्लस टी है, इसको लीजिए LCM। चलो एक स्टेप में और कर देता हूं, यहां पे 1 अपॉन टी प्लस 1 इन टू में टी प्लस 4 है, तो यहाँ पे आपका था a अपॉन टी प्लस 1 और b अपॉन टी प्लस 4। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कहीं गलती नहीं होगी, इसको एज इट इज़ रखिए। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप बहुत फास्ट करेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पे LCM लीजिए तो a टी प्लस 4 निकल के आएगा और यहाँ पे b टी प्लस 1 निकल के आएगा और अपॉन में आपका क्या है, टी प्लस 1 इन टू में टी प्लस 4। तो भाई ये कट गया आपका, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू निकल के आया a t प्लस 4 प्लस b t प्लस 1। तो यहाँ पे आप एक काम ये कीजिए, अगर मैं t की जगह माइनस 4 रख दूँ तो ये आपका कितना आएगा, a माइनस 4 प्लस 4 प्लस b माइनस 4 प्लस 1। तो ये तो a, ये माइनस 4 प्लस 4 0, तो a खत्म, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं है दोस्त, ए के साथ मल्टीपल में 0 आ रहा है तो इसलिए ए खत्म हो रहा है। यहां पे कितना आएगा, माइनस का 3b, तो बी की वैल्यू आ गई भाई माइनस की 1/3। और मैं अगर इसी में टी की वैल्यू अगर माइनस 1 रख दूं तो 1 इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 प्लस 4 और बी खत्म हो जाएगा आपका यहां पे माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू 3a और ये हो गया 0, क्योंकि b की वैल्यू 0 नहीं है, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, तो 0 इंटू बी, तो इसलिए b 0 हो गया, मतलब b 0 नहीं हो, मतलब इसलिए b वाला टर्म ही हट गया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो आपको इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, तो a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू माइनस 1/3, तो यहाँ पे डाल दीजिए a की वैल्यू 1/3 और ये t प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1/3, चलो यहाँ पे इंटू कर लो ये 1 अपॉन टी प्लस 4। अब आप देखो ना, आपने इसको ही तो ये लिखा है, करना आपको इसको इंटीग्रेट था, यानी अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, 1/3 को बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, 1/3 ऑलरेडी बाहर, यहाँ पे डी टी ओवर ही कितना आ गया, टी प्लस 4। तो लॉग लीजिए यहाँ पे 1/3, ये होगा लॉग t प्लस 1, 1/3 log t प्लस 4, लिमिट लगनी है ठीक है दोस्त यहाँ पे। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, बाद में लिमिट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 कॉमन, फिर log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो log t प्लस 1 ओवर t प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट लगा दो, कितनी है, 0 से 1। अरे भाई ये वाली लिमिट की बात कर रहा हूँ जो आपने यहाँ पे चेंज की थी, 0 से 1 आई ना, इस वाली लिमिट की बात कर रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा, 1/3 एज इट इज रहेगा बाहर,
अब यहाँ पे पहले वन रखिए अपर लिमिट, तो लॉग यहाँ पे टी की जगह वन रखेंगे तो लॉग ए टू बाई फाइव होगा, माइनस जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो लॉग टी की जगह जीरो रख दो तो लॉग वन बाई फोर आएगा, तो वन बाई थ्री भार। अब यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगाइए, तो लॉग टू बाय फाइव डिवाइड में क्या जाएगा आपका वन बाय फोर। तो इससे अगला स्टेप वन बाय थ्री लॉग ये टू बाय फाइव और ये फोर बाय वन हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, वन बाय थ्री लॉग एट बाय फाइव। तो ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना, और ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल के साथ बने रहना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।